5 आरएएस आईएएस में और 3 आरपीएस आईपीएस में पदोन्नत होंगे। इसके लिए आज दिल्ली में यूपीएससी की बोर्ड बैठक होगी। दिल्ली में यूपीएससी में होने वाली बोर्ड बैठक में सीएस डीजीपी और यूपीएससी की ओर से नामित सदस्य शामिल होंगे, जो वरिष्ठता व गुण अवगुण के आधार पर 3 नामों का चयन करेंगे। फिर डीओपीटी नोटिफिकेशन जारी करेगा, जिसके बाद इन्हें आईपीएस की सिविल लिस्ट में शामिल किया जाएगा। इस बैठक में भाग लेने के लिए मुख्य सचिव उषा शर्मा दिल्ली में पहुंच चुकी है। तो 5 आरएएस आईएएस में और 3 आरपीएस आईपीएस में पदोन्नत होंगे। इसके लिए आज दिल्ली में यूपीएससी की बोर्ड बैठक होनी है। दिल्ली में यूपीएससी में होने वाली बोर्ड बैठक में सीएस डीजीपी और यूपीएससी की ओर से नामित सदस्य शामिल होंगे, जो वरिष्ठता व गुण अवगुण के आधार पर 3 नामों का चयन करेंगे। तो ये मापदंड जो तय किए गए हैं, गुण अवगुण और वरिष्ठता यानी कि सीनियोरिटी के आधार पर नामों का चयन किया जाएगा। अब इसी खबर को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी डॉक्टर ऋतुराज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋतुराज, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे पदोन्नति को लेकर के। ये एक विधिवत प्रक्रिया होती है आरएएस आईएएस और आरपीएस आईपीएस की। जो बोर्ड बैठक है अब कुछ देर बाद यूपीएससी दिल्ली में होने वाली है, और उसमें जो गुण अवगुण है उसके आधार पर, एससीआर के आधार पर और इन तमाम बातों के आधार पर फैसला होता है। आउटस्टैंडिंग एससीआर के आधार पर जो वरिष्ठता में जिस नंबर पर है उसके अनुसार उनका पदोन्नत किया जाता है। तो 5 पद हैं तो आरएएस से आईएएस बनने में, और 3 पद हैं आरपीएस से आईपीएस बनने में। लेकिन चूंकि सत्यपाल मिड्ढा हैं, तो उनका मामला जो है विचाराधीन है, ऐसे में इस बार भी उनके नाम का लिफाफा बंद रखा जा सकता है। और इसके साथ ही जो अन्य आरपीएस हैं चरण सिंह और उनका इसमें चयन होने की संभावना है। इसी तरह से जो आरएएस से आईएएस के जो विभिन्न पद हैं उसको पदोन्नति के जरिए भरा जाएगा। इनमें प्रमुख नाम सुशील भारद्वाज का है, पुखराज सेन का है, अरुण कुमार पुरोहित का है, मुकुल शर्मा का है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए।